डायमंड वर्ड के कुछ सवाल होते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, और इन्हीं का सॉल्यूशन जो है वो हम आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो इसके वीडियो का एक खासियत ये रहेगा, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे आप, और वीडियो में ये खास बात रहेगा कि आपको पहले इसका शॉर्ट तरीका हम बताएंगे, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जल्दी से बना लें इसको, और दूसरा आफ्टर डैट कि इसके जो प्रूफ होंगे यानी कैसे ये जो है फॉर्मूला वर्क करता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन ऐसा कि ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वही काम करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वही काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे बोला गया क्या क्या लैंग्वेज है, पहले लैंग्वेज को पकड़ेंगे आप। तो ए और बी, तो ए बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, तो आपको तो समय पता है ही नहीं, तो हम मान लेते हैं कि ए प्लस बी को जो काम करने में समय लगता है वो x दिन लगता है, ठीक है। और जब x दिन लगता है तो ए को अकेले वही काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे, यानी कि अगर ए और बी दोनों काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में होता है, तो मान लेते हैं x दिन में। अगर अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर ए अकेले इस काम को करेगा तो 4 दिन अधिक ले लेगा दोनों के मिलकर करने की स्थिति से, यानी कि अगर एक्स 4 दिन में दोनों मिलकर अगर x दिन में कर रहे हैं तो a अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो x प्लस 4 दिन में करेगा। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। और लिखा हुआ है और b को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन लगते हैं, यानी कि a और b जितना दिन मिलकर करते हैं एक साथ जितने दिन में काम करते हैं, अगर b अकेला आ जाए तो जितना दिन दोनों साथ में करते हैं उससे 16 दिन अधिक लगते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और वो क्या ट्रिक होगा कि जो संख्याएं जितने दिन जो है वो अधिक दिए गए हैं, यानी कि 4 और यहां पर क्या दिया गया है 16, तो इन दोनों को क्या कर देना है, इन संख्याओं को रूट अंडर ए बी, यानी एक बार फिर से समझेंगे, यहां पर जो लास्ट में जो संख्या जुड़ी हुई है कितनी है 4, और यहां जो संख्या जुड़ी है वो कितनी है 16, तो इन दोनों को रूट में लाके गुना कर देते हैं। तो 4 गुना अगर आप 16 कर देंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 और 16 का आएगा आपका 4, तो 4 दुना कितना बन जाएगा 8, और 8 ही इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम यहां से, ये बात है तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर ये आप देखना चाहते हैं कि ये चीज कैसे हुआ और कैसे हमने ये फॉर्मूला को यहाँ पे बना दिया, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है कि फॉर्मूला को रट के आप बहुत दिनों तक याद नहीं रख सकते हैं, तो उसको समझ के भी याद रख सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको बहुत तरीके से यहाँ पर देखना है कि इस चीज को हम आपको प्रूफ करके बाय प्रूफ पूरा दिखाते हैं, और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा ठीक से, और कैसे बनाया गया वो आपने इस बात को समझ लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका प्रूफ कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा, हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे इसमें और पूरे ट्रिक को आपको प्रूफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे देखिए क्या क्वेश्चन आता है कि जैसे a प्लस बी जो है, तुम ध्यान से देखना है, हर बात को समझना है यहाँ पे, और कैलकुलेशन थोड़ा हम आराम से ही समझाएंगे ताकि आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए। अगर a प्लस बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर x दिन में कर रहा है, लेकिन दोनों मिलकर जब x दिन में कर रहे हैं तो हमने एक यहाँ पर a अकेले अगर काम करता है तो x से कुछ डेज जो होगा वो अधिक ले लेगा, तो उस डेज की संख्या को हमने क्या मान लिया है, तो x प्लस मान लेते हैं कि उसको a दिन अधिक लगता है। अगर उसी काम को b अकेले करता है तो इन दोनों के करने की अपेक्षा b दिन अधिक लग जाते हैं, तो हम मान सकते हैं कि इसको कितना लगेगा, x प्लस b दिन लगेगा। इतना बात एकदम क्लियर है, आप देखे होंगे कि a प्लस b उस काम को दोनों मिलकर x दिन में हमने मान लिया है, प्रूफ कर रहा हूं मैं इस बात को। तो a अकेले जब करेगा तो इन दोनों के करने की अपेक्षा a दिन अधिक लेगा, तो x प्लस a दिन में करेगा। अगर b लेगा तो x जो होगा इससे जो होगा b दिन अधिक में करेगा। तो इतना बात क्लियर है। अब देखिए बाई क्वेश्चन हम लोग अगर बात कर देते हैं यहाँ पे कि जैसे a का, अगर a एक काम को x प्लस a डेज में करता है, तो a का जो इफिशियंसी कितना होता है, 1 बाई
एक्स प्लस ए, यानी कि जो डे होता है एफिशिएंसी उसका जस्ट उल्टा होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में एक्स दिन में पूरा काम करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/x, और यही 1/x जो होता है वो इसके एफिशिएंसी होता है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि क्या हम, बहुत लोग ऐसा कर देते हैं कि अगर a प्लस बी है तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, और बराबर कर देते हैं x को, x से x को वो काट भी देते हैं और x का मान बता देते हैं माइनस ए और माइनस बी, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हम डेज को कभी नहीं जोड़ सकते हैं, हम जब जोड़ेंगे तो इफिशियंसी के, किसी के इफिशियंसी को जोड़ते हैं, इसीलिए ये चीज वैलिड नहीं होता है। इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो वर्क एंड टाइम में इफिशियंसी जोड़ा जाता है, और इफिशियंसी जो होता है वो टाइम का जस्ट अपोजिट होता है। अगर ए और बी एक्स दिन में पूरे काम को कर रहे हैं तो वो पूरा काम जो लगाएंगे वो कितना दिन लगाएंगे, एक दिन में 1/x काम करेंगे। अब हम बात करते हैं ए और बी की, तो यहां ध्यान रखिएगा कि ए कितना काम कर रहा है, एक्स प्लस ए, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/x प्लस ए। और अगर हम बी के बारे में ध्यान रखेंगे तो ये कितना काम करेगा, 1/x प्लस बी काम करेगा। ये एक्स प्लस ए, ये एक्स प्लस बी, तो ध्यान हो गया होगा आपको, और बराबर कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से ध्यान रखते हैं कि इन दोनों का एलसीएम, और दोनों मिलकर इस काम को 1/x डेज में करते हैं, तो 1/x डेज हमने यहां रख दिया है। अब देखिए बहुत ध्यान से, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं यहां पे। अब जो कैलकुलेशन है उसको आधार बनाएंगे और आराम से यहां पे गुना करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल आउट होगा, तो बच जाएगा आपका x प्लस बी, और यहां से x प्लस बी यहां से हो जाएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस ए, बराबर कितना लिखेंगे आप, 1/x। अब देखिए कैलकुलेशन और अच्छे तरीके से, x और x को आप जोड़ देते हैं कि 2x प्लस बी प्लस ए, यहां पर ये निकल के आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो x में x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस कितना आएगा प्लस कितना आएगा ax प्लस कितना आएगा यहां पर देखिएगा bx, यानी कि दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे, और a और b, तो यहां पर ये वाला पूरा कहानी आएगा, और ये जो 1/x है कुछ इस तरह से चला जाएगा। यहां तक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसको इसके साथ गुना और इसके साथ गुना कर देते हैं, तो एक्स से जब हम इन दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 2x स्क्वायर। यहां पर जब एक्स से तीनों टर्म में गुना होगा तो प्लस ये क्या होगा, bx, और ये हो जाएगा आपका ax। अब इस बात में x से गुना करेंगे तो सेम टू सेम यही चीज रह जाएगा, a स्क्वायर ax प्लस bx, और प्लस कितना हो जाएगा, ab। अब आप देखेंगे कि bx जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है और ax से ax भी कैंसिल आउट हो रहा है। x को जब हम उस साइड की ओर लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर इधर है और x स्क्वायर इधर है, तो बचेगा घटा के x स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा आपका, ab। तो x का मान अगर आप निकालेंगे तो √ab। अब देखिए इस बात को हमने कैसे प्रूफ किया कि अगर कोई व्यक्ति दोनों काम को x दिन में कर रहे हैं और a जो है उसको एक्स्ट्रा दिन ले रहा है और b उससे दोनों के मिलकर काम करने की तुलना में ये a दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, ये b दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो जो जितने दिन वो एक्स्ट्रा ले रहा है उन दोनों को रूट में रख करके गुना कर देते हैं, और यही इसका सही प्रूफ भी होता है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी देते हैं तो आप कर सकते हैं। पहले भी हमने इस क्वेश्चन को करवाया और कहां से आया इस बात की भी हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, उसके बाद आपको पूरा चीजें जो है वो जल्दी से समझ में आएंगी। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको इतना बनाना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सीधे सॉल्व कर देना है ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहां पे कि दो कारीगर ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा
अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे लगेंगे, 8 घंटे अधिक लगेंगे, अधिक लगेंगे। आगे लिखते हैं, बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में चार पूर्णांक 1/2 घंटे अधिक लगेंगे यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, ये बातें आपसे पूछी गई हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना जल्दी निकाल पाएंगे हम लोग। दो कारीगर ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं, दो कारीगर को लगाया गया है, ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। जो ए और बी जितना समय में एक्स दिन में मान लेते हैं काम करता है, तो ए अकेले अगर लग जाएगा तो उसको कितना घंटा लग रहा है, 8 घंटा अधिक, यानी कि x+8 लग रहा है। और बी अकेले उस काम को जब कर रहा है तो उसको लग रहा है 4/1/2, यानी 4 × 2 = 8 और 1 9/2 दिन लग रहा है। ठीक है, इतना बात तो क्लियर है। तो जैसे ही ऐसा प्रश्न आया कि दोनों को मिलाकर जितना दिन लगता है, अकेले करने में इतना अधिक लगता है और जो यहां पर अधिक लगता है, तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप जितने भी अधिक संख्याएं हैं उनको उठाकर रूट अंडर में गुना कर दीजिए। अब क्यों करेंगे, आपको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो 4 × 36 हो जाता है और 36 का जो होगा वो रूट जो निकलेगा वो 6 निकलेगा, तो 6 इस प्रश्न का जो होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही अभी हम और भी इसके रिगार्डिंग जो है वो ट्रिक वगैरह लाते रहेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में आपको जो जो क्वेश्चन फंसते हैं उनको आपको इस माध्यम से समझाते रहेंगे और बाय प्रूफ भी उस बात को समझाएंगे। चलिए तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो है वो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।